मॉर्निंग फ्रेंड्स, दस्तरखाने वारसिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कबाब। लौकी के कबाब के लिए हमने आधा किलो लौकी को ग्रेट कर लिया है और इसको छानने के लिए छलनी में रख दिया है, जिसका पानी भी निकल चुका है। और यहाँ पर हमने इसको बाइंडिंग के लिए ये कुछ कुरमुरे लिए हैं जो हम इसे मिक्सी में पीसेंगे, और कुछ 2 चम्मच ये बेसन है, और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जिसमें 1 छोटा गाजर, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो हमने इसे महीन महीन काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं इसे भी बारीक सा काट लिया है, यहाँ पर 1 छोटा सा, मतलब समझ लीजिए 2 स्पून ये है पत्ता गोभी, इसे भी हमने महीन काटा हुआ है, ये 1 छोटा अनियन है, प्याज इसे भी हमने बारीक काट लिया है, और ये 50 ग्राम पनीर है जिसे हम मैश कर लेंगे, और ये एक शिमला मिर्च है, इसे भी हमने बारीक बारीक काट के यहाँ पे सब तैयारी कर ली है। तो अब देखते हैं हम इसे, पहले ये कुरमुरे को हम मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसे मिक्स करना है। हम इसे मिक्सी में पीसने जा रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। कुरमुरा पीस चुका है, देखिए आप, एकदम बारीक जितना हो सका हमने पीसा है। अगर आपके पास कुरमुरा ना हो तो आप पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां, पहले शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, प्याज, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, और ये पनीर का टुकड़ा। हम इसे पहले इसे तोड़ के मिक्स करते हैं। इसे करके देखते हैं कि हमें कितना इसके अंदर ये कुरमुरे का पाउडर लगेगा, क्योंकि इसे सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डालना है ना हमें। तो इस तरह से हमने मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। अब हम डालेंगे 1/2 से भी कम चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, और इतने के लिए हमारे पास ये कम से कम 1 चम्मच से कम थोड़ा नमक, क्योंकि लौकी में थोड़ा मिठास होती है। तो यहाँ पर हम धनिया, और डालेंगे ये कुरमुरे का पेस्ट 1-2 स्पून, बाद में जरूरत होगी तो और डाल लेंगे, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून बेसन। और इसे हम अब मिला के देखते हैं। लौकी में क्या है, अभी भी पानी ऐसा लग रहा है, तो हम इसे मिलाने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि हमें पता चले कि इसमें और भी कुरमुरे के डालना ज़रूरी है या बेसन और मिलाना ज़रूरी है, उस हिसाब से हम और भी इसमें डाल देंगे। पहले हम इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं। देखते हैं, ये वापस से थोड़ा गीला लग रहा है, तो हम इसमें 1 चम्मच और बेसन डाल देते हैं। ये 2 चम्मच ही था, तो हम ये पूरा आप डाल ले रहे हैं, और 1 स्पून कुरमुरे का पाउडर फिर से मिला लेते हैं। अब ठीक लग रहा है, ये मिक्स बराबर हो गया है, और हाथ में भी अब ये सूखापन लग रहा है, तो हम इसे तलना शुरू करते हैं। ये रेडी है तलने के लिए, इसी तरह हम सभी को तल लेंगे। जब तक कबाब होते हैं, हम यहाँ पर चटनी पीस लेंगे।
चटनी के लिए हमने यहाँ पर जरा सा धनिया, जरा सा पुदीना, एक देखिए हाथ में आ जा रहा है, और ये 3 हरी मिर्ची, और ये 9-10 लहसुन की कलियां। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक 1/2 स्पून, और डालेंगे इसी में मायनीज 2 बड़े चम्मच, ये मायनीज है, और इसी में डालेंगे हम दही, ये भी 2 बड़े चम्मच दही जो है हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये हमारी चटनी पिस रही है जिसके साथ ये कबाब खाए जाएंगे। तो हम इसे चला लेते हैं मिक्सी में। चटनी हमारी पिस चुकी है, आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हुई है। तो हम इतना यहाँ पर सर्व करने के लिए निकाल दिए हमने कटोरी में, और अब हम इसे कबाब को पलटेंगे धीमे धीमे। भी देखिए ये कितने अच्छे सुरख सुरख हो रहे हैं, इस तरह से पलटते हुए तल में इसे। बहुत अच्छा रंग आया है, देखिए फट नहीं रहे हैं, ये बराबर सिक जा रहे हैं, यानी इसकी बाइंडिंग सही हुई है। अभी धीमे आंच में हम इस साइड भी सेक लेते हैं। पहले हम निकाल लेंगे ये चपटे वाले, इस तरह से तेल निचोड़ते हुए निकालें, और बहुत ही सॉफ्ट से बने हैं ये कबाब, हमने सभी को डिश आउट कर लिया है। आप देखें ये मैंने जो भी रेसिपी बनाई है लौकी पनीर कबाब, तो इसे आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और ये चटनी जो है वो स्पेशल है, जिस तरह से मैंने बताया कि मायनीज और दही में हमने ये जो हरा धनिया पुदीना मिर्ची लहसुन नमक पीसा है, इसकी वजह से ये कबाब और भी बेहतरीन लग रहे हैं। साथ में सॉस भी रख दिया है कि बच्चों को अगर सॉस से खाना है तो वो उससे भी खा सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।